Hello student, this side is Harish and today I will discuss chapter number 4 in physics and the chapter name is energy. So first of all we have to understand what the energy. Okay? Capacity to do the work is called energy. मतलब हम किसी भी काम को करने की जो capability होती है उसे हम क्या कहते हैं, energy कहते हैं. अदो energy को यहाँ पे हम machines की help से हम energy को कैसे utilize करते हैं, उसकी हेल्प से हम कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पे. ओके, हेयर यू कैन सी फर्स्ट टर्म आई हैव रिटन हेयर इज वर्क. सो व्हाट द वर्क इज एग्जैक्टली, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन अप्लाइंग अ फोर्स इन कन्वीनियंट डायरेक्शन देन वर्क इज डन. कहने का मतलब ये है कि वर्क हमारा, हम ये कब कह सकते हैं कि वर्क हो गया. वर्क होने का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे कि हम अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कन्वीनियंट डायरेक्शन में, तो अगर वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा वर्क हो गया, वर्क इज डन. ऑलराइट, तो कहने का मतलब मूवमेंट विच इज हैपन बिकॉज ऑफ द अप्लाइंग फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क. नाउ इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. देखो, मैकेनिकली या मैनुअली हम अपने बॉडी का यूज करके अगर हम कोई वर्क करते हैं देन इट विल बी टाइम टेकिंग एंड सो हार्ड टू डू कंप्लीट द वर्क. ऑलराइट, सो वी हैव टू यूज द मशीन्स. तो मशीन्स को यूज करने के, मशीन्स को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं सिंपल मशीन क्या होती है. इंक्रीज द साइज ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बोथ. दैट मीन्स कि मशीन को जो हम यूज करते हैं तो मशीन का बेसिक काम क्या होता है कि हम जो भी फोर्स अपनी बॉडी से लगा सकते हैं उस फोर्स के अमाउंट को वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मशीन. और जो फोर्स की डायरेक्शन है उस फोर्स की डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन. तो बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए हमें ये दो चीजों की ही रिक्वायरमेंट होती है. एक तो हम फोर्स हमारा ज्यादा हो और हमारे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारी फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो ये हमारा, यही हम चाहते हैं और ये काम हमारा कंप्लीट होता है सिंपल मशीन के थ्रू. अब हम बहुत सारी सिंपल मशीन को अगर कंबाइंड करके एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उस बहुत बड़ी मशीन को या फिर उस मशीन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन. मेड अप ऑफ अ टू और मोर सिंपल मशीन, दो या दो से अधिक सिंपल मशीन को मिला के हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन. और जो कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है उसका काम मोर देन वन टाइप्स के काम को अगर एक साथ करना होता है तो हम वहां पर कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज टू स्टडी सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स को अगर हम, जैसे यहां से आगे हम सिंपल मशीन को हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि उसमें फोर्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसमें एफर्ट अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसमें लोड को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा. इसके जो मेन टर्म जो कि हमें यूज करते हैं सिंपल मशीन को पढ़ते टाइम पे, तो वो है फल्क्रम, लोड, एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इनपुट आउटपुट, इफिशियंसी. ठीक है, इन सबको एक एक बार समझ लेते हैं. फल्क्रम एग्जैक्टली क्या होता है? फल्क्रम हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अराउंड लोड और एफर्ट जिसके अराउंड मूव कर सके. देखो, आप फिगर में देख सकते हैं, यहां पे एक फल्क्रम है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड लोड और एफर्ट मूव करते हैं. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स होता है और इस फिक्स पॉइंट की हेल्प से हम लोड के ऊपर एफर्ट अप्लाई करते हैं ताकि कम एफर्ट में हमारा लोड मूव कर सके. नाउ सेकेंड, लोड. लोड एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको मूव कराने के लिए हम एफर्ट का यूज करते हैं. ठीक है, एफर्ट क्या होता है? एफर्ट एक ऐसा प्रेशर या फिर ऐसा फोर्स होता है जिसकी हेल्प से हम लोड को मूव कराते हैं. ठीक है, सो हियर विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल थ्री टर्म्स. नाउ कम टू द वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो को समझने के लिए, वेलोसिटी रेशियो को हम शॉर्ट में VR से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ठीक है, मतलब एफर्ट की जो वेलोसिटी है उसको अगर हम लोड की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो. इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आर्म. तो इसमें आप कहेंगे कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म का मतलब क्या हुआ. एफर्ट आर्म और लोड आर्म मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे आप इसको देखेंगे.
अगर हम फल क्रम से और अफर तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं अफर टर्म, और फल क्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं लोड आर्म। ठीक है, तो लोड आर्म और अफर टर्म के बीच का ये डिफरेंस है। तो यहीं पे इस चीज को हम यहां पर समझेंगे, डिस्टेंस मूव बाय अफर टर्म। ठीक है, अफर टर्म के द्वारा जो डिस्टेंस मूव की गई है, ठीक है, उसके साथ में अगर हम डिस्टेंस मूव बाय लोड आर्म, लोड आर्म की डिस्टेंस जो मूव हुई है उसको अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उस रेशियो को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। इसको अभी फिलहाल आप इतना ही समझेंगे और न्यूमेरिकल्स के टाइम पे मैं आपको इसे डीप में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज को हम एमए से डिफाइन करते हैं, लोड अपॉन लोड ऑब्लिक एफर्ट, मतलब लोड और एफर्ट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इनपुट आउटपुट क्या होता है, जो हम मशीन के अंदर जो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और एफर्ट अप्लाई होने के बाद मशीन जो हमारे लोड को पुश करती है या पुल करती है, ठीक है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को समझने के लिए हमें ये काम करना होगा, कोई भी आइडियल मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी 1 होती है। कहने का मतलब जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स हमें आउटपुट में मिलता है मशीन के द्वारा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से तो हम किसी भी मशीन्स को आइडियल हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली तो एफिशिएंसी को समझने के लिए यहां पर हम क्या देखेंगे, वर्क डन बाय द मशीन आउटपुट, जो मशीन का जो भी मशीन काम करती है उसे हम मशीन का आउटपुट कहते हैं, और वर्क डन ऑन अ मशीन, और जो मशीन को जो हम फोर्स इनपुट करते हैं, ठीक है, या जो भी प्रेशर या फोर्स हम इनपुट करते हैं उसे हम मशीन का इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को समझने के लिए यहां पर हम और देख सकते हैं, वर्क डन ऑन अ लोड, किसी भी लोड पर मशीन के द्वारा किया गया काम, ठीक है, और उस मशीन पर लगाया गया फोर्स या एफर्ट, इन दोनों के रेशियो को भी हम एफिशिएंसी कहते हैं, ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। अच्छा, जितनी भी टाइप्स की मशीनें होती हैं सारी मशीन्स को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर 6 टाइप्स ऑफ मशीन, लिवर, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल एंड पुली। तो इनमें क्या होता है, इसको हम डीपली और एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर के अंदर, अच्छे से इन सारे मशीन्स के टाइप्स को हम समझेंगे, और ये समझेंगे इसमें हम लोड को किस तरह से इजीली मूव करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस पे हमें किस पर्टिकुलर टाइप की मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, उसमें फलक्रम, लोड, एफर्ट, ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फाइनली, किसी भी मशीन को लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रखने के लिए उसे हमें उसकी मेंटेनेंस और केयर का ध्यान रखना होता है। ठीक है, प्रॉपरली हम उसे मेंटेनेंस रखेंगे, ठीक है, उसे हम क्लीन रखेंगे और उसको हम रस्ट से सेफ रखेंगे, रस्टिंग नहीं होने देंगे, तो ऑब्वियसली वो मशीन बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और हमें हमारे काम के लिए हेल्प करेगी। सो दिस इज द ऑल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 एनर्जी इन क्लास 6। नाउ We come to the book part and now we will understand and explain all the terms in detail here. What is work? Work is said to be done when force apply on a body move in the direction of force. हम किसी जिस भी direction में हम force apply करते हैं उस direction के opposite हमारा object move होता है, तो जब ये object move हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा work is said to be done, मतलब काम हो गया। ठीक है बेटा, अब किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम वी नीड मोर एनर्जी एंड समटाइम वी नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को सेव करने के लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं। व्हाई वी नीड मशीन्स, एग्जैक्टली वी डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ। देखो, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे तरह के काम करते हैं, जिसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और जिनके लिए करने के लिए हमें कम एनर्जी की या कम एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। कोई आपका फ्रेंड है जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है और उसके पास एक खाली बॉक्स है, वो उस बॉक्स को आपकी तरफ पुश करता है तो इजीली वो आपके आपकी साइड में उस बॉक्स को पुश कर देता है, लेकिन उसी बॉक्स में अगर कुछ नोटबुक्स या बुक्स या पेपर रखे हुए हैं, जब उसको वो पुश करता है तो उसे थोड़ा फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह की प्रोसेस है, इजी वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए हमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत करनी पड़ती है, ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और कम इजी वर्क के लिए हमें कम एफर्ट की जरूरत पड़ती है। जॉब कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग मशीन। अब क्या होता है कि अगर मैकेनिकली अपनी बॉडी की हेल्प से अगर किसी भी काम को करते हैं तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग और अनकंफर्टेबल,
और वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइफ, स्क्रू, पेयर ऑफ सीजर्स, बोटल ओपनर, स्क्रू ड्राइवर, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मशीन्स। इन सबको हम मशीन्स कहते हैं। अब मशीन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझना होगा कि सिंपल मशीन्स क्या होते हैं। सिंपल मशीन इज अ बेसिक मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज द साइज ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बोथ। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी को सेव करने के लिए हमें मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। मशीन क्या काम करती है, मशीन जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज कर देती है और जिस डायरेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं उस डायरेक्शन को चेंज करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये मशीन का काम होता है। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ सिंपल मशीन, यहाँ पर छह टाइप की मशीन होती हैं, जैसे कि लिवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल एंड पुली। इन सारी मशीन्स को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें मशीन्स के बारे में प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स वर्क इजियर, फास्टर एंड कन्वीनियंट। मशीन एक टाइप की वो डिवाइस होती है जिससे हमारे काम को आसान और जल्दी से और सुचारू रूप से इसको हम कंप्लीट कर सकें। कॉम्प्लेक्स मशीन आर मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन, दो या दो से अधिक सिंपल मशीन से को मिला के हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है कि हमारे बहुत सारे काम्स को अगर हमें एक ही मशीन से साथ करना होता है तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी सिंपल मशीन को कंबाइन करके सिंपल मशीन बनानी होती है। नाउ मशीन, सिंपल मशीन को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझ लेते हैं। तो जो टर्म्स सिंपल मशीन में यूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी आपको हेल्प करेंगे और मशीन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलक्रम। फलक्रम क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड कोई मशीन मूव करती है, ठीक है। मशीन को चारों तरफ मूव कराने के लिए जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम फलक्रम कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक गर्ल है जो एक लोड को लिफ्ट कर रही है या फिर मूव करा रही है, शिफ्ट करा रही है। तो उसमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फलक्रम होता है। ये फलक्रम जो होता है ये फिक्स पॉइंट होता है, इमूवेबल होता है। एक फिक्स इमूवेबल पॉइंट की हेल्प से गर्ल यहाँ पे जब एफर्ट अप्लाई करती है तो ये लोड अपनी पोजिशन से मूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोड भी ये मूवेबल है, एफर्ट जो गर्ल अप्लाई कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी मूवेबल है, लेकिन फलक्रम ये फिक्स्ड रिजिड पॉइंट है जो कि इमूवेबल है। सेकंड आप देखते हैं हम लोड आप समझ सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट विच नीड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज कॉल्ड लोड। एंड फाइनली वी सी हियर द एफर्ट। एफर्ट इज द एनी फोर्स और प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द लोड टू मेक द वर्क डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो जो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड के बीच का रेशियो होता है। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड, जब इसको सिंपली अगर फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो को हम समझ सकते हैं डिस्टेंस मूव द एफर्ट आर्म। देखो एफर्ट आर्म और लोड आर्म मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इसी फिगर में आप समझ लेते हैं। तो फलक्रम से लेके लोड तक की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं लोड आर्म, ठीक है। लोड आर्म और जो फलक्रम से लेके एफर्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है। एफर्ट आर्म और लोड आर्म के द्वारा जो डिस्टेंस जो होती है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। इसमें एक टर्म और आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को समझने के लिए हम यहां देखेंगे, द रेशियो ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय मशीन टू द फोर्स अप्लाइड टू इट इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। देखो किसी भी कोई भी मशीन जो होती है वो मशीन एक फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और हमें एक मशीन को भी एक फोर्स देना होता है जिसे हम इनपुट कहते हैं और मशीन जो हमें फोर्स एज ए आउटपुट देती है उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो लोड वो चीज होती है जो कि मशीन जो काम करके देती है उसे हम लोड कहते हैं और एफर्ट जो मशीन के ऊपर लगाया गया जो फोर्स होता है उसे हम एफर्ट कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से जानते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है क्योंकि ये दोनों भी वेलोसिटी के रेशियो हैं और ये भी यहां पे लोड और एफर्ट का रेशियो है तो इस वजह से इनकी यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है तो इनकी यूनिट कुछ भी नहीं होती है। वेलोसिटी
वेलोसिटी रेशियो की यूनिट कुछ नहीं होती है और मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट भी कुछ नहीं होती है। इनपुट और आउटपुट मैंने बताया आपको, वर्क डन ऑन ए मशीन इज टर्म एज इनपुट, जो मशीन जो काम करके जो मशीन के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी काम को करवाने के लिए उसे हम कहते हैं इनपुट, और मशीन जो काम करके हमें देती है वर्क डन बाय अ मशीन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो मशीन काम करती है उसे हम क्या कहते हैं आउटपुट। हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एफिशिएंसी, द रेशियो वर्क डन बाय मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, ठीक है, तो मशीन के द्वारा किया हुआ काम को जिसे हम आउटपुट कहते हैं और मशीन पे हमने जो काम किया उसे हम इनपुट कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आगे समझने के लिए हम क्या देखते हैं, वर्क डन ऑन अ लोड, किसी भी लोड पे मशीन के द्वारा किया हुआ काम और किसी भी मशीन पे लगाया गया एफर्ट, इन दोनों के बीच के रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। किसी भी आइडियल मशीन के केस में किसी भी मशीन द्वारा किया हुआ काम और मशीन पे लगाया हुआ एफर्ट हमेशा इक्वल होता है किसी भी आइडियल मशीन के केस में, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और मशीन जो हमें आउटपुट देता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी लॉस हमें हीट और साउंड के रूप में दिखाता है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क के रेशियो का जो परसेंटेज होता है वो उस मशीन की परसेंटेज एफिशिएंसी कहलाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंपल मशीन के 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें पहला टाइप है लीवर। लीवर के अंदर, लीवर को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि सबसे पहले लोड आर्म और एफर्ट आर्म, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, यहां पे आप इस फिगर के थ्रू समझेंगे, यहां एक फलक्रम है, ये लोड है और ये एफर्ट है, ठीक है, तो फलक्रम हमारा एक फिक्स्ड इमूवेबल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके एक साइड में एफर्ट है एक साइड में लोड है। तो यहां पे आप देखेंगे एफर्ट से लेके फलक्रम तक की जो आर्म है इस आर्म को एफर्ट आर्म कहते हैं और फलक्रम से लेके लोड तक की जो आर्म है या डिस्टेंस है उसे हम लोड आर्म कहते हैं। तो बेसिकली लोड, फलक्रम और एफर्ट से बने हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को या पूरी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिवर कहते हैं। अब लिवर यहाँ पे हम फलक्रम की पोजीशन के अकॉर्डिंग, लिवर भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अच्छा लिवर्स के टाइप्स समझने से पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स को समझना चाहिए। लिवर्स का प्रिंसिपल क्या होता है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ठीक है, तो लोड जो फोर्स है उसके साथ अगर हम डिस्टेंस को फलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यही लिवर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इसको आगे समझते हैं। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लिवर, लोड अपॉन एफर्ट, ये क्या होता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है जिसे हम एफर्ट आर्म लोड को हम क्या कह सकते हैं, यहां प्रिंसिपल ऑफ लिवर की आप देखेंगे कि लोड ऑब्लिक एफर्ट, इसका रेशियो हमारा किसके बराबर होगा, एफर्ट आर्म इक्वल अपॉन लोड आर्म, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू फलक्रम एंड डिस्टेंस फ्रॉम एफर्ट टू फलक्रम, इसका रेशियो हमारा लोड और एफर्ट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल लोड और एफर्ट का जो रेशियो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स का यूज करते हुए हमें मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला यहां क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फलक्रम की पोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोड को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर में आप देखेंगे कि फलक्रम की जो पोजीशन होती है वो लोड और एफर्ट के बीच में होती है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल देखेंगे आप, सी शो पेयर ऑफ, ये सब सारे फर्स्ट क्लास लिवर के एग्जांपल हैं, सी शो पेयर ऑफ सीजर और बीम बैलेंस टिन सीयर्स है ना, इसके अलावा ब्रेक्स ऑफ बाइसिकल, द हैंडल ऑफ अ हैंडपम्प, क्रोवास, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली आप, ये एक शीशो है, इसमें आप देख सकते हैं फलक्रम हमारा बीच में लाई करता है और एफर्ट और लोड हमारे दोनों साइड पे लाई करते हैं। यहाँ पे क्रोबार में देखो आप, फलक्रम बीच में लाई करता है, लोड और एफर्ट हमारे साइड्स में लाई करते हैं। पेयर ऑफ सीजर्स में आप देख सकते हैं फलक्रम बीच में लाई करता है और एफर्ट और लोड हमारे दोनों साइड्स में लाई करते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर। नाउ कम टू द सेकंड क्लास ऑफ लिवर।
सेकंड क्लास ऑफ लिवर में आप देख सकते हैं फलक्रम की जो पोजीशन होती है वो एक एक्सट्रीम एंड पे होती है और उसके दोनों एक साइड में दोनों चीज काम करती है, लोड और ऑफर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के एक्शन समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक व्हील वॉरो है। व्हील वॉरो में आप क्या देखते हैं कि फलक्रम जो हमारा रिजिड सपोर्ट है वो हमारा सबसे एक साइड में होता है, बीच में लोड होता है और अफर्ट हमारा सबसे एक्सट्रीम एंड पे काम करता है। तो ये जो इस प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं जिसमें फलक्रम एक साइड में होता है और लोड और अफर्ट एक साइड में काम करते हैं, तो इस टाइप के लिवर को हम क्या कहते हैं, सेकंड क्लास ऑफ लिवर, जिसके एग्जाम्पल है व्हील वैरो, नट क्रैकर, लेमन स्क्वीयर, फुट वैलो, मैंगो कटर एंड बोटल ओपनर एंड जी आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लिवर। इसमें आप देख सकते हैं कि फलक्रम एक साइड में है, लोड और अफर्ट दूसरी साइड में, फलक्रम एक साइड में, लोड और अफर्ट दूसरी साइड में, फलक्रम एक साइड में, लोड और अफर्ट दूसरी साइड में। नाउ कम टू द थर्ड क्लास ऑफ लिवर। थर्ड क्लास ऑफ लिवर में जो पोजीशन होती है फलक्रम की वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ पर लोड, जैसे कि आप देखते थे सेकंड क्लास ऑफ लिवर में लोड हमारा बीच में होता था, यहाँ बीच में हमारा अफर्ट होगा, लोड एक साइड में होगा, मतलब फलक्रम एक साइड में होगा, दूसरी साइड में लोड होगा, बीच में अफर्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। फोर्सेप्स, पेयर ऑफ टोंग एंड फिशिंग रॉड। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो फलक्रम है वो एक साइड में है, ठीक है, प्रेशर जो होता है, फोर्स जो होता है, एफर्ट, वो हमेशा बीच में अप्लाई होता है और लोड एक्सट्रीम एंड पे होता है। सेम ही है, लोड हमारा एक्सट्रीम एंड पे, फोर्स एफर्ट बीच में लगा हुआ है, फलक्रम सबसे राइट में, ठीक है। इसके अलावा फिशिंग रॉड, नाइफ, अ पेयर ऑफ टॉन्ग, ये सारे थर्ड क्लास ऑफ लिवर के एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द इंक्लाइंड प्लेन। देखो आप देख सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लैंटेड सरफेस दैट रीचेज फ्रॉम वन लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे देखो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मूव कराते हैं, ठीक है, एक स्लैंटेड सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव कराते हैं तो स्लैंटेड सरफेस में क्या होता है कि एक साइड हमारी बहुत नीची होती है और दूसरी साइड हमारी बहुत ऊंची होती है। ठीक है, अगर हम उसको वर्टिकली, अगर हम एक हैवी लोड को वर्टिकली अगर हम एक पोजीशन से, मतलब लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन के लिए शिफ्ट कराते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अफर्ट अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम इंक्लाइंड प्लेन का यूज करके उस अफर्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का स्लैंटेड सरफेस हम इसके अंदर होता है। इस स्लैंटेड सरफेस में क्या होता है कि हम जब किसी भी लोड के ऊपर स्लैंटेड सरफेस का यूज करते हुए अगर हम अफर्ट अप्लाई करते हैं तो वो इजीली लोअर लेवल से हायर लेवल के लिए मूव कर जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। सेकंड फिगर में आप समझ सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन का यूज। यहाँ पे कुछ वर्कर है जो कि एक ड्रम को और ट्रॉली के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लेवल है जो अपर लेवल है। अगर ये हमारे पास स्लैंटेड सरफेस अगर नहीं होता, इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, तो इन्हें वर्टिकली इसको डायरेक्टली इसे पूरा का पूरा पुल लिफ्ट करके इसको यहाँ पे लेफ्ट करना पड़ता ट्रॉली के ऊपर, जिसमें से इन्हें बहुत ज्यादा अफर्ट की रिक्वायरमेंट होती। लेकिन अभी इन्होंने स्लैंटेड सरफेस मतलब इंक्लाइन प्लेन का यूज करके इजिली इसको शिफ्ट करा दिया है लोअर लेवल टू अपर लेवल। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज स्क्रू। स्क्रू भी एक टाइप का इंक्लाइन प्लेन होता है। स्क्रू इज अ टिपिकल स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन दैट हैज बीन रोल्ड अप। ठीक है, देखो आप समझ सकते हैं स्क्रू का जो यूज होता है वो ये होता है कि ये फर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में अपने आप को अटैच कर लेता है। और ये अटैच इसलिए करता है क्योंकि किसी भी स्क्रू के अंदर थ्रेड और पिच होते हैं। ठीक है, थ्रेड क्या होते हैं कि स्क्रू आर जनरली यूज टू होल्ड थिंग टूगेदर। जैसे कि मैं आपको बताया जाऊँ, स्क्रू इज मेड अप ऑफ कटिंग स्पायरल ग्रुप्स। ये जो होते हैं थ्रेड, ये कटिंग स्पायरल ग्रुप्स होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल रोड। ये एक मेटल रोड का एक सर्फेस है जिसके ऊपर हमने क्या करा हुआ है, हमने स्पायरल ग्रुप को कट किया हुआ है। ये जो स्पायरल ग्रुप्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, थ्रेड। और हर स्पायरल ग्रुप या हर थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सपोज दिस इज अ वन थ्रेड एंड दिस इज द सेकंड थ्रेड, इन थ्रेड्स के बीच जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, द थ्रेड ग्रुप्स और स्क्रू आर लाइक अ रैंप इन अ सर्कुलर फॉर्म। एक्जेक्टली क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सरफेस स्लैंटेड सरफेस बना के हमने ऑब्जेक्ट को मूव कराया था, यहाँ पे सर्कुलर इंक्लाइन प्लेन बनाए जाते हैं जिसकी हेल्प से ये इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को स्टिच कर लेता है। ठीक है, होल्ड कर लेता है। जैसे कि आप देखते हैं एक कार को लिफ्ट कराने के लिए हमें
जैक की जरूरत पड़ती है, जैसे हम स्क्रू जैक कहते हैं। तो जैक क्या करता है, ये एक मैकेनिकल वर्क अप्लाई करता है स्क्रू के प्रिंसिपल पे। तो स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सर्कुलर ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम थ्रेड्स कहते हैं। इस सर्कुलर ग्रुप्स को जब हम मूव कराते हैं तो ये इजीली मूव करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। नाउ कम टू द वेज। वेज भी एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसकी हेल्प से दैट मूव, इट इज अ वी शेप मशीन। तो इसमें क्या होता है, ये जो वेज होता है इसमें दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, एक तो एक वन साइड और दूसरा अनदर साइड। ये दोनों एक दूसरे के साथ में वी शेप बनाते हैं और ये वी शेप जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने में, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट को काटने में या तोड़ने में हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स नाइफ और ये चिसर, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक वी शेप की शार्प एज बनाते हैं जिन्हें हम इंक्लाइंड प्लेन, टू इंक्लाइंड प्लेन भी कहते हैं, और इसकी हेल्प से ये किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हील एंड एक्सेस। व्हील एंड एक्सेस में क्या होता है, द व्हील इज ऑफन यूज मच लाइक अ रोलर एज अ मीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। व्हील की हेल्प से क्या होता है कि देखो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो सरफेस होता है वो एक हमेशा एक फ्रिक्शन अप्लाई करता है, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक सर्कुलर शेप में डिजाइन करें, ठीक है, तो वो एक व्हील का शेप उसके अंदर आ जाता है, और व्हील का शेप आने के बाद जब उसे हम मूव कराते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट को जो फ्रैक्शन फेस करना होता है उसकी लिमिट बहुत कम हो जाती है, ठीक है। व्हेन अ व्हील इज यूज विद एन एक्सल इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंपल मशीन। जब हम व्हील के साथ एक्सल को भी यूज कर लेते हैं तो एक सिंपल मशीन बनता है। अब व्हील और एक्सल होता क्या एग्जैक्टली, व्हील जो होता है एक सर्कुलर सिलेंडर होता है जो कि बड़ा सर्कुलर सिलेंडर जिसे कहते हैं, और एक्सल जो होता है एक छोटा सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसको व्हील के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी भी एक्सल को मूव कराते हैं, जो छोटा स्मॉल सिलेंडर है उसको हम मूव कराते हैं, तो उससे अटैच होने वाला व्हील जिसे हम बड़ा सिलेंडर कहते बिग सिलेंडर शेप जिसे हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये व्हील टर्न द स्क्रीन, जब इस व्हील मशीन पे व्हील चेयर पे बैठा हुआ लड़का जब इस व्हील को मूव कराता है तो एक्सल इसके साथ ऑटोमेटिकली मूव होती है जिसकी हेल्प से दोनों पहिए मूव होते हैं और बॉय एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है या फिर मूव कर जाता है। यहाँ पे आप दूसरा एप्लीकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्हील है, इस व्हील के साथ एक एक्सल अटैच है, ठीक है। ये बड़ा बिग सिलेंडर शेप में होता है, ये छोटा सिलेंडर शेप में होता है। इसमें एक साइड में लोड अप्लाई कर रखा है, एक साइड में फोर्स अप्लाई कर रखा है। जब ये व्हील को फोर्स के साथ मूव कराते हैं तो एक्सल भी मूव होता है और लोड हमारा लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर लोड की डायरेक्शन अपरवर्ड होती है तो अगर एफर्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो लोड की डायरेक्शन अपरवर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर एज बीटर, एग बीटर। एग बीटर में देख सकते हैं आप एक व्हील है और इसके साथ में एक एक्सल अटैच है। स्क्रू ड्राइवर है, इसके साथ में भी एक्सल और व्हील अटैच है। विंडलेस में आप देख सकते हैं यहां पे एक एक्सल है, इसके साथ एक व्हील अटैच है। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल। इसके अलावा विंड ग्लास स्क्रू ड्राइवर, वाटर टैप, अ डोर हैंडल, अ क्रॉस स्पिनर एंड एग कटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड स्क्रू। नाउ वी कम टू द पुली। देखो पुली की हेल्प से क्या होता है, किसी भी हैवी लोड को पुल करने के लिए हम पुली का यूज करते हैं, ठीक है। पुली इज अ सिंपल मशीन विच इज यूज टू लिफ्टिंग अ लोड बाय अप्लाइंग एन एफर्ट इन अ सूटेबल एंड कन्वीनियंट डायरेक्शन। अगर एक सूटेबल और कन्वीनियंट डायरेक्शन में अगर हम एफर्ट यूज करते हैं तो पुली हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने में हेल्प करती है ताकि वो इजिली लोड को हम लिफ्ट कर सकें, पुल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक आपको भी फिगर दिया हुआ है, इसमें एक लेडी है जो कि वेल से वाटर को लिफ्ट करती है विद द हेल्प ऑफ पुली, ठीक है। पुली के साथ में एक स्प्रिंग, एक स्ट्रिंग अटैच होती है, ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। एक साइड में लेडी फोर्स अप्लाई एफर्ट अप्लाई करती है लोड को या फिर वाटर को पुल करने के लिए, जब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट अप्लाई करती है तो लोड ऑटोमेटिकली अपरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होता है। फाइनली द
जो जो पानी की बाल्टी है वो वेल से ऊपर आ जाती है। पार्ट ऑफ द पुली, पुली में कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं वो यहां समझ लेंगे। एक डिस्क यूज होती है जो कि सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। इसके साथ एक एक्सल अटैच होता है, एक ब्लॉक अटैच होता है जिसके थ्रू ये इस पूरी पुली को हम एक फिक्स पॉइंट पे स्टे कराते हैं। इसके बाद ग्रूव्ड रिम होती है, ग्रूव्ड रिम के साथ ही हम स्ट्रिंग को अटैच करते हैं इसके चारों तरफ, ताकि एक साइड में हम एफर्ट अप्लाई कर सके, दूसरी साइड में लोड हमारा पुल हो सके या फिर लोड हमारा लिफ्ट हो सके। तो पुली को हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल फिक्स पुली। सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है कि ब्लॉक के साथ में पुली को हमने हैंग किया होता है, कि मतलब यहां पर पुली हमारी एक रिजिड सपोर्ट के साथ में हैंग है, ठीक है। जिसके एक साइड में लोड होता है, दूसरी साइड में अफर्ट अप्लाई करते हैं, तो अफर्ट जिस डायरेक्शन में अप्लाई होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लोड हमारा लिफ्ट होता है, ठीक है। सेकेंड, अ सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम। सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम को हम यहां से समझ सकते हैं, यहां पर पुली जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो मूवेबल मूवेबल व्हील इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। और इसका जो ग्रूव्ड रिम होती है उसमें हम अपने स्ट्रिंग को बांधते हैं या स्ट्रिंग को अप्लाई करते हैं। स्ट्रिंग का एक पार्ट हमारा रिजिड सपोर्ट के साथ इमूवेबल रहता है और दूसरे पार्ट के साथ लगा हुआ ऑब्जेक्ट हमारी पुली के साथ में एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, ठीक है। इसके साथ बेनिफिट ऑफ पुली सिस्टम, पुली सिस्टम का बेनिफिट मैंने आपको बताया दिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड इमूवेबल पुली इनेबल द स्मार्ट एफर्ट टू लिफ्ट हैवी लोड। किसी भी हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो हमें दोनों टाइप की पुली को कंबाइन करके एक हमें सिंपल मशीन बनानी, सॉरी कंबाइन करके एक हमें कॉम्प्लेक्स मशीन बनानी होती है, जिससे हम किसी भी लोड को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में लिफ्ट करा सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ मशीन। किसी भी मशीन की मेंटेनेंस और केयर करना इसलिए जरूरी है ताकि वो लंबे टाइम तक वो चल सके, ठीक है, और हम लंबे टाइम तक अपनी मशीन से काम करवाते हुए चले। तो इसके लिए तो आपको क्या करना है, मशीन आर यूज फॉर कन्वीनियंस। किसी भी काम को इजीली करने के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके सारे पार्ट्स को चेक करना, उसकी केयर करना, उसकी उसे साफ करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू प्रोटेक्ट आउटर पार्ट ऑफ मशीन फ्रॉम रस्ट वी शुड अप्लाई द पेंट। किसी भी मशीन को हमें रस्ट से बचाने के लिए उसके आउटर पार्ट्स को हमें पेंट करना होता है, ग्रीस वगैरह लगानी होती है, ठीक है। और उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, किसी भी मशीन को मूविंग पार्ट्स को अंदर फ्रैक्शन की वजह से वो अगर खराब ना हो तो उसके लिए हमें लुब्रिकेट यूज करना होता है रेगुलरली। इसके अलावा मशीन नीड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। मशीन को हमें डस्ट और डर्ट से भी बचाना चाहिए ताकि उसके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो, तो इसके लिए हमें उसे ढक के रखना चाहिए हमेशा। वी वाइप प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस। अगर हम इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस हम अगर मशीन की बनाते रखेंगे तो वो लंबे टाइम तक वो मशीन काम करेगी और हमारी हेल्प करेगी। आफ्टर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 इन फिजिक्स क्लास 6, नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन अ लिवर ऑफ क्लास फर्स्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए द फल्क्रम लाई बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। सेकेंड वन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ सिंपल मशीन। द थर्ड वन थर्ड नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, इट सेव एनर्जी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, अ बीम बैलेंस इज अ लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास। नाउ नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वन ऑर्डिनरी फिक्स्ड पुली। ठीक है, एक फिक्स पुली के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज अ लिवर ऑफ क्लास सेकेंड। राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इन अ लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास द इज इन मिडिल। फिल इन द ब्लैंक्स इज इन मिडिल, मतलब कि क्लास फर्स्ट में मिडिल में क्या होता है, फलक्रम। नाउ क्रोवर इज द लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास, क्लास फर्स्ट। द फोर्स अप्लाई टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम अफर्ट कहते हैं। अ पुली चेंज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए फोर्स, पुली एक फोर्स का क्या चेंज करती है, डायरेक्शन। द आउटर पार्ट ऑफ अ मशीन आर पेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, किसी भी मशीन के आउटर पार्ट को पेंट करने से वो रस्टिंग से बचाया जा सकता है। ट्रू फॉल्स, अ मशीन कैन डू वर्क बाय इटसेल्फ, मशीन अपने आप वर्क नहीं कर सकती, उसको ऑपरेट करने के लिए किसी ह्यूमन बी की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट्स फॉल्स। द एस्टेब्लिश इज ए कॉम्प्लेक्स मशीन, ट्रू। लेमन स्क्वीजर इज सेकंड क्लास ऑफ थर्ड क्लास ऑफ लिवर, फॉल्स। पुली इज ग्रूव्ड व्हील, ट्रू।
द व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होता, डिफरेंट सिलेंडर यूज होते हैं. एक एक्सल के लिए हम स्मॉल सिलेंडर यूज करते हैं और व्हील के लिए हम लार्ज सिलेंडर यूज करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स. नाउ वी कम टू द मैचिंग पार्ट. मैचिंग, मैच द फॉलोइंग. व्हील वॉरो, व्हील वॉरो इज द सेकंड लिवर ऑफ सेकंड क्लास. अ पुली, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बीम बैलेंस, द करेक्ट आंसर इज लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास. ट्विजर्स, ट्विजर्स द करेक्ट आंसर इज लिवर ऑफ थर्ड क्लास. व्हील एंड एक्सल, द राइट आंसर इज रोल्स हैवी लोड्स. ओके, नाउ पिक ऑड वन आउट, हमें इसमें से ऑड को आउट करना है. तो यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर, स्विंग मशीन, बाइसिकल, मिक्सिंग ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर ऑड वन आउट है क्योंकि ये जितने भी बचे हुए हैं इन सब में व्हील एंड एक्सल का यूज होता है, मिक्सर ग्राइंडर में व्हील एंड एक्सल का यूज नहीं होता है. या नाउ इन सेकंड क्रोबार इज ऑड वन आउट बिकॉज ये जितने भी हैं ये क्लास थर्ड के लिवर यूज होते हैं इसमें और क्रोबार में क्लास फर्स्ट का लिवर यूज होता है. नाउ इन नंबर थ्री पिलर, पिलर में क्लास फर्स्ट का लिवर यूज होता है और बाकी जितने बचे हुए हैं इन सब में क्लास सेकंड का लिवर यूज होता है. नाउ कम टू द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स. देखो लिवर्स का प्रिंसिपल हमने एक्सप्लेन करते टाइम पर आपको बताया था, लोड इंटू लोड आर्म्स इक्वल टू इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म. यहाँ पर लोड आर्म और इफर्ट आर्म क्या होती है, फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस को हम लोड आर्म कहते हैं और फलक्रम से इफर्ट तक की डिस्टेंस को हम इफर्ट आर्म कहते हैं. तो इस केस में लोड इंटू लोड आर्म हमारा हमेशा इक्वल होता है इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म के बराबर. ये प्रिंसिपल ऑफ लेयर्स होता है, सॉरी लिवर्स होता है. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पुली. पुली का एडवांटेज क्या होता है, ये हैवी लोड को लिफ्ट कर सकती है इसकी हेल्प से. ऑयलिंग, वाइज ऑयलिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ मशीन इज नेसेसरी. मशीन के पार्ट में ऑयलिंग क्यों की जाती है, अवॉइड वियर एंड टीयर ताकि उसमें टूट फूट ना हो सके. हाउ इज मशीन टेकिंग केयर ऑफ द फॉलोइंग केसेज, हमें इसके इन सारे केसेज में मशीन की केयर कैसे करनी चाहिए. एक्सल ऑफ पुली फिक्स्ड ऑन अ वेल मे नॉट बियर आउट. जो हम कुएं में जो पुली बना रखी है उस पुली के साथ में हमारा एक एक्सल अटैच होता है. इस एक्सल को बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, लुब्रिकेंट यूज करना होता है. उसमें लुब्रिकेंट लगाने से फ्रिक्शन कम होता है और एक्सल हमारा बचा रहता है. हैंडल ऑफ अ बाइसिकल मे नॉट रस्ट, जो बाइसिकल का हैंडल है उसे रस्ट ना हो इसके लिए उसे पेंट करना होता है. डेलिकेट मशीन्स ऑफ द फैक्ट्री मे नॉट स्पॉइल ड्यू टू वियर एंड टीयर. ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा वजन, किसी भी मशीन पर, फैक्ट्री की किसी भी मशीन पर बहुत ज्यादा वजन और प्रेशर पड़ने से वो स्पॉइल ना हो इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, लुब्रिकेशन यूज करना होता है. नेम द क्लास ऑफ लिवर, क्लास ऑफ व्हील वैरो. व्हील वैरो कौन सी क्लास का लिवर है, ये सेकंड क्लास का है. इसी प्रकार फिशिंग रॉड किस क्लास का लिवर है, थर्ड क्लास का लिवर है, लिवर है. अच्छा, इसके बाद विच क्लास ऑफ लिवर है द मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन. मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा किस क्लास के लिवर में होता है, क्लास सेकंड के लिवर में होता है. कैन एफर्ट बी लार्जर देन द लोड इन ए मशीन, किसी भी मशीन में लोड से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उस, वो कौन सी मशीन है. हाँ, लोड से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ऐसी भी मशीन है जिस जो कि क्लास थर्ड का लिवर ऐसी मशीन होती है. नेम द सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन. टू इंक्लाइंड प्लेन कौन से सिंपल मशीन में होते हैं, वो मशीन का नाम होता है वेज, जो कि वी शेप में होता है. ड्यू टू विच फोर्स डज द वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट अकर, किसी भी मशीन के पार्ट्स में जो नुकसान होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है. जो फ्रिक्शन होता है उसके लिए फोर्स जनरेट होता है और उसके पार्ट्स धीरे धीरे करके घिसते हुए चले जाते हैं. ठीक है, बात करते हैं हम डिफाइन की. तो सबसे पहले डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. नंबर एक मैकेनिकल एडवांटेज, एक्सप्लेन करते टाइम पे हमने बताया था मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है. इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाई अ मशीन टू द फोर्स प्रोड्यूस अप्लाइड टू इट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एक रेशियो होता है एक मशीन के द्वारा किया गया, मशीन के द्वारा लगाया गया फोर्स और मशीन पे लगाया गया फोर्स, मतलब लोड और एफर्ट के बीच का जो रेशियो होता है उसे हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं. क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि दीज बोथ आर टर्म्ड एज फोर्स. तो फोर्स कैंसिल एट द यूनिट ऑफ फोर्स कैंसिल बाय यूनिट ऑफ एफर्ट, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो यूनिट. नाउ कम टू द सेकंड वन, वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो क्या होता है समझ लेते हैं. द रेशियो ऑफ
वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज टर्म एंड टर्म एज वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द रेशियो ऑफ टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, मतलब एफर्ट की वेलोसिटी का वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टर्म इनपुट, द वर्क डन ऑन अ मशीन, किसी भी मशीन को हम एक एफर्ट लगा के उसे वर्क करने के लिए इनपुट किया जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एफर्ट को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। एफिशियंसी द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, मतलब किसी भी मशीन के द्वारा किया गया काम और किसी भी मशीन पर लगाया गया एफर्ट, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। नाउ वी कम टू द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएट। फर्स्ट डिफरेंशिएट इज मूवेबल पुली एंड फिक्स पुली। द आंसर, यू कैन सी द आंसर फ्रॉम हियर। इन मूवेबल पुली लोड अलोंग विद पुली इज मूव, जो लोड होता है वो पुली के साथ मूव करता है, ओनली द लोड इज मूव, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोड ही मूव करता है, यहां पर पुली और लोड दोनों मूव करते हैं, यहां पर ओनली लोड मूव करता है फिक्स पुली के अंदर। यहां पर एफर्ट इज इक्वल टू लोड, लोड और एफर्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, यहां पर एफर्ट रिक्वायर्ड इज लेस देन द लोड, यहां पर लोड से कम होता है एफर्ट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। नाउ कम टू द सेकंड डिफरेंशिएट इज लिवर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास। लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास, द फल्क्रम लाई इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, जो फल्क्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में लाई करता है, जैसे क्रोबार और सीशो, ये कोमा लगा लेंगे यहां पे, क्रोबार एंड सीशो। नाउ सेकंड क्लास, द लोड लाई इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, फल्क्रम और बीच के बीच में अगर लोड लाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड क्लास लिवर कहते हैं, जैसे व्हील बैरो और लेमन स्क्वीजर। नाउ थर्ड क्लास, द एफर्ट लाई इन बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम, लोड और फल्क्रम के बीच में अगर एफर्ट लाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड क्लास ऑफ लेबर कहते हैं। एग्जाम्पल, फोर्सेप्स एंड फिशिंग रॉड। नाउ कम टू द थर्ड वन, थर्ड डिफरेंशिएट, पुली एंड व्हील एंड एक्सल। पुली और व्हील एंड एक्सल में डिफरेंस बताएंगे। पुली यूज टू लिफ्ट, LIFT, यूज टू लिफ्ट लोड, ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है, व्हील एंड वेरो इट्स मूव द ऑब्जेक्ट, यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये पुली की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई द फोर्स, इसके थ्रू हम फोर्स को और मल्टीप्लाई करते हैं ताकि लेस फोर्स में हमें ज्यादा आउटपुट मिल सके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पुली एंड व्हील एंड एक्सल। नाउ वी कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मशीन, व्हाई डू वी यूज मशीन, मशीन क्या होता है और मशीन का यूज क्यों करते हैं। तो आंसर इज, मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड कन्वीनियंट। मशीन एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपने काम को आसान, फास्ट और इजी बना सकते हैं। वी यूज मशीन टू मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर, हम मशीन का यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने काम को इजी और फास्टली कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हाउ इज अ व्हील इज सिंपल मशीन, व्हील को हम सिंपल मशीन क्यों कहते हैं। सिंपल मशीन मेक्स आवर वर्क इजियर, सिंपल जैसा कि हमें पता है मशीन की हेल्प से हम अपने वर्क को इजियर बनाते हैं। द व्हील एंड एक्सल वर्क टूगेदर टू मेक वन सिंपल मशीन, व्हील और एक्सल को दोनों को मिला के हम एक सिंपल मशीन बनाते हैं, मेक्स अ सिंपल मशीन। मेकिंग आवर वर्क इजियर, जिससे हमारा काम इजियर होता है, देयर फोर व्हील इज अ सिंपल मशीन, इसलिए हम व्हील को सिंपल मशीन कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, हमें लिवर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो बताना है, उसके हर एक के हमें दो एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर थर्ड थ्री क्लासेज ऑफ लिवर। फर्स्ट क्लास लिवर के एग्जाम्पल हैं सीशो और क्रोबार है, सेकंड क्लास के लिवर में लेमन स्क्यूजर और नटक्रैकर, थर्ड क्लास के लिवर में फोर्सेप्स एंड फिशिंग रॉड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर, क्लासीफाई द फॉलोइंग लिवर एज क्लास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हमें कैटेगराइज करना है। तो यहाँ पर हमने आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास में आएगा बीम बैलेंस, क्रोबार, अ पेयर ऑफ सीजर्स,
सेकंड क्लास में व्हील वेयर और लेमन स्क्यूजर एंड क्लास थर्ड में ट्वीजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर ए पुली कैन बी कंसिडर ए लिवर, पुली को हम लिवर कंसिडर कर सकते हैं, अगर हाँ तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। यहाँ पर आंसर इज यस, अ पुली कैन बी कंसिडर एज अ लिवर। लिवर द एक्सल ऑफ द व्हील कैन बी कंसिडर एज अ फलक्रम। यहाँ पर क्या है, पुली के अंदर जो एक्सल होता है उसे हम फलक्रम कंसिडर कर सकते हैं। एंड वन एंड ऑफ द रोप विल एक्ट एज अ एफर्ट, रोप के एक साइड में एफर्ट यूज होता है और दूसरी साइड में लोड अप्लाई होता है। सो दैट्स व्हाई हम पुली को एक तरह से लिवर कंसिडर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई अ व्हील एंड एक्सेस, आप व्हील और एक्सेल से क्या समझते हैं। अ व्हील एंड एक्सेस इज अ सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन होती है कंसिस्टिंग ऑफ बिग सिलेंडर, जिसके अंदर एक बड़ा सिलेंडर होता है जिसे व्हील कहते हैं, और ये एक छोटे सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसे हम एक्सेल कहते हैं, है ना, विच हेल्प टू मूव ऑब्जेक्ट, और इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब हाउ अ व्हील हेल्प टू मूव ऑब्जेक्ट, हम व्हील की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करा सकते हैं। द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड इज कनेक्टेड टू एदर व्हील और एक्सल इज टर्न टू मूव द ऑब्जेक्ट अटैचेज। कहने का मतलब कि जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कराना होता है तो उसे हम व्हील या एक्सल के साथ उसे हम कनेक्ट कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट जब उसके साथ अटैच हो जाता है तो व्हील और एक्सल की मूवमेंट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी मूव होता है। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्रॉपर केयर ऑफ मशीन एसेंशियल, गिव एनी 3 पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। किसी भी मशीन की केयर क्यों जरूरी है और हमें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए 3 पॉइंट बताने हैं। यहाँ पे हम आंसर नंबर 8 देखेंगे। प्रॉपर केयर ऑफ मशीन इज एसेंशियल बिकॉज, किसी भी मशीन की प्रॉपर केयर इसलिए जरूरी है, टू प्रोटेक्ट मशीन फ्रॉम रस्टिंग, मशीन को रस्ट से बचाने के लिए, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन, किसी भी मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट मशीन फ्रॉम वियर एंड टीयर, किसी भी मशीन की टूट फूट को बचाने के लिए। नाउ वी कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट ऑफ लॉन्ग आंसर इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ व्हील एंड एक्सल सिस्टम इन ब्रीफ। व्हील एंड एक्सल सिस्टम जो होता है, जो सिंपल मशीन होती है, उसकी वर्किंग हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है। हाउ कैन हैंडल अ बाइसिकल बी कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। ठीक है, एक बाइसिकल का जो हैंडल होता है उसे हम व्हील एंड एक्सल सिस्टम को मैं कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर देख लेंगे इसका, व्हील एंड एक्सल आर ज्वाइंट टू ईच अदर। व्हील, जैसे कि हमें पता है व्हील एंड एक्सल एक दूसरे के साथ जॉइंटली कनेक्टेड होते हैं। द व्हील टर्न द एक्सल और वाइस वर्सा, व्हील से एक्सल और एक्सल से व्हील को मूव किया जा सकता है। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड मे बी अटैच्ड टू एदर ऑफ व्हील और एक्सल, और हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हील या एक्सल के साथ कनेक्ट करने पर वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है। द हैंडल ऑफ द बाइसिकल एक्ट एज अ एक्सल एंड द फ्रेम इन विच द हैंडल इज इंसर्टेड एक्ट एज अ व्हील। ठीक है, तो हम बाइसिकल का जो हैंडल होता है उसे हम एक्सल कंसिडर कर सकते हैं, और इस एक्सल के साथ में जो फ्रेम अटैच होता है उस अटैच फ्रेम को हम व्हील कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉन्ग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वेज विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, वेज की वर्किंग हमें बतानी है एक सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू। द वेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हम किसी भी फोर्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, ठीक है, तो हमें वेज मिलता है। तो वेज इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। द फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाई डिक्रीजिंग द एरिया एट वन एंड ऑफ द वेज। तो क्या होता है, वेज जो होता है उसमें दो एज होती हैं, या फिर दो इंक्लाइंड प्लेन को हम वी शेप में ज्वाइन करते हैं। तो ये जब ज्वाइन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एरिया कम हो जाता है और फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल द एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है एक्स, इज ब्रॉड एट द वन एंड एंड द शार्पर एट अनदर। जब आप अपने एक्स में जो मेटल यूज होता है आपने उसे देखा होगा, वो एक साइड से बहुत चौड़ा होता है और एक साइड से बहुत शार्प होता है। वन एंड इज शार्प सो दैट द फोर्स कैन बी मल्टीप्लाई। तो जब शार्प होने की वजह से क्या होता है कि जब हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम उसे स्ट्राइक कराते हैं तो वो मल्टीपल फोर्स के साथ उस पर स्ट्राइक करता है।
एंड वुड कैन बी कट इजीली। और जैसे सपोज करो वुड, किसी वुड पे जब हम स्ट्राइक करते हैं हम एक्स एक्स को, तो उसमें मल्टीपल ऑफ फोर्स एक साथ काम करने की वजह से वो वुड इजीली कट हो जाती है। नाउ थर्ड, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सिंपल मशीन अलाउ अ पर्सन टू यूज लेस फोर्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, सिंपल मशीन की हेल्प से हम किसी भी काम को कम फोर्स लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये कैसे होता है। नाउ नंबर थर्ड, सिंपल मशीन लाइक एन एक्स, सिंपल मशीन लाइक एन एक्स मल्टीप्लाई द फोर्स। जो सिंपल मशीन होती है वो एक जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो एक्स मतलब कुल्हाड़ी होती है उसकी तरह फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। देयर विल बी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ फोर्स टू कट अ वुडन लॉग। ठीक है, जो वुडन का जो लॉग होता है तो उसको कट करने के लिए हमें बहुत सारे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट द सेम लॉग कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ एक्स इजीली यूजिंग द लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। क्योंकि हमने एक्स के थ्रू हमने उसे एक वेज में कन्वर्ट किया, एक वी शेप में एक शार्प एज हमने बनाई, और उस शार्प एज के थ्रू मल्टीपल फोर्सेस का उसमें फोर्सेस को मल्टीप्लाई किया। फोर्स से मल्टीपल फोर्स को जब हम एक साथ किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कराते हैं तो वो इजीली कट हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से मशीन्स को हम किसी भी काम को इजियर कर सकते हैं मशीन की हेल्प से। नाउ वी कम टू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट न्यूमेरिकल, लोड ऑफ 120 न्यूटन इज कैप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द फर्गलम ऑफ ए लेबर। एट व्हाट डिस्टेंस एन एफर्ट ऑफ 40 न्यूटन नीडेड टू अप्लाई टू द बैलेंस द लेबर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ ऑलरेडी लोड हमारा 120 है और लोड आर्म की वैल्यू है हमारी 1.5 मीटर, एफर्ट हमारा 40 न्यूटन है और एफर्ट की आर्म हमें निकालनी है। तो देखो, आपको मैं फिगर में बता चुके हैं ये लीवर फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर बनता है यहाँ पे, जिसमें फलक्रम दोनों एफर्ट और लोड के बीच में फलक्रम होता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लोड और लोड आर्म हमारी इतनी है, 120 का लोड है और 1.5 की आर्म है। यहाँ पे हमें 40 न्यूटन का एफर्ट दिया हुआ है लेकिन एफर्ट आर्म हमें नहीं पता है। तो हम जानते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहता है लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, तो हमें क्योंकि एफर्ट आर्म की रिक्वायरमेंट है, एफर्ट आर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोड इंटू लोड आर्म में डिवाइड करेंगे हम एफर्ट का। तो ये करने के बाद हमें क्या मिलता है, 4.5 मीटर। तो दिस इज द एफर्ट आर्म एंड एफर्ट आर्म विल बी 4.5 मीटर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट मिनिमम एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 न्यूटन। 150 न्यूटन का लोड उठाने के लिए हमें कितने एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी यूजिंग अ लिवर हुज मैकेनिकल एडवांटेज 1.5। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है और लोड दिया हुआ है, हमें अपने एफर्ट बताना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ लोड इक्वल टू 150 न्यूटन, मैकेनिकल एडवांटेज जो दिया हुआ है हमें 1.5 दिया हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज को हम एम एस रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड और एफर्ट का रेशियो। यहाँ पे हमें लोड दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमें लोड दिया हुआ है और मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है। तो एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, लोड डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड हमारा 150 है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1.5 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफर्ट हमारा 100 न्यूटन कैलकुलेट होके आएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अ क्रोबार ऑफ लेंथ 110 मीटर हैज अ फल्क्रम एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम वन एंड, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड ऑफ 120 है। यहाँ पे हमें 120 न्यूटन का लोड हमें लिफ्ट करना है, जिसके लिए हमें एक क्रोबार यूज किया हुआ है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, फल्क्रम से एक साइड का जो फल्क्रम से लेके और एक एंड तक का डिस्टेंस है 4 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फल्क्रम से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, 10 - 4। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ क्रोबार इक्वल 10 मीटर, लेंथ ऑफ वन एंड फ्रॉम द फल्क्रम, फल्क्रम से, ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो लेंथ है, जो पूरा ये क्रोबार हमने यूज किया हुआ है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 10 मीटर, जिसमें से एक एंड से फल्क्रम से एक एंड तक की जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। तो दूसरी डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि टोटल 10 है तो 10 - 4 मतलब 6 है, तो फल्क्रम से दूसरे एंड तक की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो कितनी होगी, 6 मीटर। तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया 10 - 4 = 6 मीटर। अब आप जानते हैं
द प्रिंसिपल ऑफ लेवर के थ्रू लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। तो यहाँ पर लोड हमें दिया हुआ 120, एक आर्म हमें 4 मीटर की दी हुई है, दूसरी आर्म हमें 6 मीटर की दी हुई है। इफर्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो इफर्ट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो इफर्ट हमारा 18 न्यूटन आ जाएगा। नाउ वी कम टू द फोर्थ न्यूमेरिकल। एज यू कैन सी इन फोर्थ न्यूमेरिकल हियर, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी। लोड हमें दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना है। सेकंड में मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ, एफर्ट दिया हुआ, लोड निकालना है। तो हमें जैसे कि पता है फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन लोड ऑब्लिक एफर्ट। तो लोड दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। सो सिंपली वी विल डिवाइड बाय 450 टू 150 एंड आंसर विल बी थर्ड। एंड दैट्स फोर्थ ऑफ बी ऑफ फोर्थ। मैकेनिकल एडवांटेज इज गिवन हियर 0.3, एफर्ट इज 80 न्यूटन एंड वी हैव टू कैलकुलेट लोड। लोड विल बी सिंपली एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपली 80 इनटू 0.3 इक्वल टू 24 न्यूटन। दिस विल बी लोड अप्लाई टू द लिवर फर्स्ट क्लास। नाउ आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ अ लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास इज 4 मीटर। 4 मीटर लेंथ है फर्स्ट क्लास के लिवर की, उसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, फलक्रम इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द एफर्ट। एफर्ट से फलक्रम तक की जो डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर है। 4 मीटर टोटल लेंथ है, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। हेयर यू कैन सी लेंथ ऑफ टोटल आर्म गिवन हेयर 120, लेंथ टोटल लेंथ हमारी 4 मीटर है, जिसे हम 400 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ में से और लोड आर्म हम माइनस कर देंगे तो हमारी एफर्ट आर्म निकल के आएगी। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें क्या करना होता है, दिस इज द फॉर्मूला, एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो होता है, इसमें हम 280 को 120 डिवाइड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2.33 कैलकुलेट होके आएगा। अब हम बात कर लेते हैं थिंक क्रिटिकली की। थिंक क्रिटिकली को आप बुक नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, बुक नोट्स आपके पास में ही है, वहां से थिंक क्रिटिकली आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, रोहित एंड गीता डिसाइडेड टू प्ले ऑन अ शीशो। एक शीशो के ऊपर रोहित और गीता खेलने के लिए डिसाइड करते हैं। ठीक है, रोहित इज हैवियर देन गीता। रोहित का जो वेट है वो गीता के वेट से ज्यादा है। ऑन विच पोजिशन शुड बोथ ऑफ देम सिट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सी शो सो द बोथ ऑफ देम कैन लिफ्ट ईच अदर इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखो आपको बताया हुआ है कि रोहित का वेट है वो गीता के वेट से ज्यादा है, तो रोहित का वेट ज्यादा है, गीता का वेट कम है, तो गीता जब सी शो के दूसरे एंड पर बैठेगी तो उसे रोहित फलक्रम से जितना दूर है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई शीशो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर गीता है और यहाँ पे अगर रोहित है, तो रोहित मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गीता को जितनी डिस्टेंस ये है, ठीक है एक्स मान लो, तो गीता जो बैठेगी वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए रोहित की जो डिस्टेंस है एक्स से कुछ डिस्टेंस ज़्यादा पे बैठेगी, ताकि एक दूसरे को ये इजीली पुल कर सके। ठीक है, क्योंकि जो रोहित का वेट है वो ज़्यादा है, गीता का वेट कम है, तो वेट को एडजस्ट करने के लिए हमें जो लिवर का प्रिंसिपल है वो फॉलो करना होगा। लिवर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोड और जो आर्म होती है उसका मल्टीप्लाई दूसरे लोड और उसकी आर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए गीता को दूसरे एंड पर थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर बैठना होगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फिलिंग फैन इज मेड अप ऑफ सिवरल सिंपल मशीन, वायर वुड यू फाइंड एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ फैन। आपको एक फैन के अंदर इंक्लाइंड प्लेन कहाँ पर मिलता है, जो फैन के ब्लेड्स होते हैं उन ब्लेड्स को आप देखेंगे तो वहां पर आपको वेज मिलेगा। वेज एक प्रकार का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसमें वी शेप में फैन की ब्लेड को शार्प किया जाता है, ताकि वो फोर्स को वहां से वो कट करके और अपनी रोटेशन को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्हीलन एक्सल आपको कहाँ मिलता है, जहाँ पे हमारा फैन सस्पेंड होता है, मतलब लटका हुआ होता है, तो जिस सपोर्ट के थ्रू वो लटका हुआ होता है उस सपोर्ट में लगी हुई जो एंगल होती है उसे हम एक्सल कहते हैं, और जो व्हील का उस एक्सल के साथ जो फैन का जो पार्ट रोटेट करता है उसे हम व्हील कहते हैं। ठीक है, तो सुई लेज ऑन योर सूज आर सिमिलर टू द पुली। ठीक है, जो सुई लेसेज होते हैं वो पुली के सिमिलर होते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझना होगा आपको कि सूज के जो लेसेज होते हैं
उनको हम एक एक मेटल से बने हुए सर्कुलर होल के थ्रू हम उसे पास करते हैं, ठीक है। और जो सर्कुलर होल होता है उसके ऊपर हम उसे ऐसे स्ट्रिंग उसे यूज करते हैं, तो इसमें सर्कुलर होल जो मेटल का बना हुआ होता है वो हमारे लिए पुली का काम करता है, ठीक है। और जिसमें जो लेसेज हमारे स्ट्रिंग का काम करते हैं, तो दैट्स वाई इस सिस्टम को हम एज अ पुली कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंक क्रिटिकली, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू।